गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, दिस इज योर टीचर बलराम पाल एंड यू आर वॉचिंग द ऑनलाइन क्लासेज ब्रॉट टू बाय श्री नंदीश्वर विद्यालय मिंगाधाना। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 8 एंड्स एंड मीन्स कंपोज बाय रमेंद्र कुमार। तो पिछले वीडियो से हम आगे बढ़ते हैं। बिरजू और स्वामी अरबसु की कहानी थी, और जो बिरजू उस महिला के घर पर, उस गरीब महिला के घर में जाके उसकी निर्धनता को देखकर बड़ा ही द्रवित होता है। बिरजू लुक्ड एट द टू किड्स हडले टुगेदर लाइक पप्स, टीयर्स वेल्ड अप इन बिरजूज आईज, विदाउट अटरिंग अ वर्ड ही वॉक्ड आउट ऑफ द हट। बिरजू ने जैसे ही उन बच्चों को पिल्लों की तरह सर्दी से दुबके हुए एक साथ जो है वो सिकुड़कर जो है वो सोए हुए थे, उनको देखा, उसकी आँखों से आंसू बहने लगे। बिना एक शब्द कहे वो वहाँ से, उस झोपड़ी से बाहर आ गया। ही सर्च्ड द लेन्स ऑफ द विलेज एंड फाइनली फाउंड व्हाट ही वाज लुकिंग फॉर। उसने गांव की जो गलियाँ थी, रोड थे, उसको मैं वो खोजने लगा, और आखिरकार उसने वो चीज़ खोज ली जिसके लिए वो देख रहा था। क्या था? ग्रोसरी स्टोर, एक परचून यानी कि किराना की जो दुकान थी। ही वर्कड ऑन द ह्यूज लॉक ऑन द फ्रंट डोर एंड विद इन मिनट्स हैड सक्सीडेड इन ओपनिंग इट। उसने उस दुकान के दरवाजे पर एक बड़ा ही विशाल जो है एक ताला लगा हुआ था, उस पर उसने अपना हुनर दिखाया और उसको कुछ ही मिनटों में जो है वो उसको खोलने में सफल हो गया। अपने आप से वो कहता है कि इट सीम्स आई हैव नॉट फॉरगॉटन माई स्किल्स, ही मटर्ड एंड वेंट इन। और अब उसने कहा कि लगता है, ऐसा लगता है कि मैं आज भी जो है अपनी स्किल को, यानी अपने की जो कौशल है, मैं उसको भूला नहीं हूँ। कहावत है कि चोर चोरी से जाए लेकिन हीरा फेरी से ना जाए। ही इमर्ज 10 मिनट्स लेटर कैरिंग 2 sacks, ही वेंट इन टू द हट एंड प्लेस द sacks एट द वुमेन्स फीट। और 10 मिनट के बाद जब दुकान से बाहर प्रकट हुआ तो अपने साथ जो है वो 2 बोरे लाया, और उन बोरों को उसने वो उस महिला की झोपड़ी में जाकर उसके कदमों में रख दिए। वो दीज प्रोविजन्स शुड लास्ट यू फॉर 3 months एट लीस्ट, ही सेड एंड वर्कड आउट बिफोर द वुमेन कुड आस्क एनी क्वेश्चंस। उसने उन बोरों को उसके कदमों पर रखते हुए कहा कि ये जो खाने पीने की जो राशन है ये तुम्हें लगभग 3 महीने के लिए पर्याप्त हैं, और इससे पहले कि वो महिला उससे कुछ प्रश्न पूछती कि कहाँ से आए, क्या है, क्या है, तो इससे पहले ही वो वहाँ से निकल आया। व्हेन ही रिटर्न्ड ही फाउंड स्वामी अरबसु स्टिल वेटिंग फॉर हिम। जब वह वापस लौटा तो उसने पाया कि स्वामी अरबसु तब भी उसका जो है इंतज़ार कर रहे थे, उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। What happened? What took you so long? Where is the firewood? उससे प्रश्न किए गए, क्या हुआ, तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई, और लकड़ियाँ कहाँ हैं। बिरजू narrated the entire story. बिरजू ने सारी जो कहानी, जो वृत्तांत है, उसको अपने स्वामी अरबसु को सुना दिया कि किस प्रकार से जो है घटनाएँ घटीं। What? I cannot believe it. The sage jumped up. जैसे ही उसने सुना कि बिरजू ने उन भूखे बच्चों को खाना खिलाने के लिए फिर से चोरी की, जबकि वो चोरी चकारी का काम छोड़ चुका था और वह एक सन्यासी के रूप में उनके साथ रहता था। स्वामी अरबसु को जब ये मालूम चला कि उसका शिष्य एक चोर है और वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, तो इस सुनकर उसने बहुत आघात पहुँचा। उन्होंने इसके फलस्वरूप प्रतिक्रिया दी, वाट आई कैन नॉट बिलीव इट, क्या मैं विश्वास नहीं कर सकता। द सेज जम्प्ड अप, सेज जो है वह उछल गया। इस फेस टर्निंग रेड, गुस्से में उसका चेहरा लाल हो गया। यू कमिटेड अ थेफ्ट, तुमने एक चोरी की। स्वामी अरबसुज फॉलोअर्स फॉलोअर अ थीप, स्वामी अरबसु का अनुयायी एक चोर। वाट विल पीपल से, लोग क्या कहेंगे। बट स्वामी द पुअर चिल्ड्रन, लेकिन जो है स्वामी जो बिरजू था वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था, और उसने कहा लेकिन वो बेचारे बच्चे, स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस, यू कैन नॉट जस्टिफाई योर एक्शन बाय मेकिंग लेम एक्सक्यूजेज। स्वामी ने उसे कहा कि इस प्रकार की बेहुदा बातें करना बंद करो, तुम अपने इस कृत्य को जो है इस प्रकार के जो है आप तर्क देकर जो है आप बहाने बनाकर उनको जो है न्यायोचित नहीं ठहरा सकते। अ सिन इज अ सिन, एक पाप पाप होता है। द एंड कैन नॉट जस्टिफाई द मीन्स, जो है उसका उद्देश्य कभी भी माध्यम को
जो है न्यायोचित नहीं ठहरा सकता। दिस इज़ योर लास्ट डे विद मी, आज जो है ये जो दिन है वो तुम्हारा अंतिम दिन है मेरे साथ। टुमारो मॉर्निंग आई वॉन्ट यू टू गो अवे, कल सुबह मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। आई डू नॉट एवर वॉन्ट टू सी योर सिनफुल फेस अगेन, मैं तुम्हारा इस पापी चेहरे को फिर से दोबारा कभी देखना नहीं चाहता हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन विरजू ओपन हिज आइज देयर वाज अ डेजलिंग लाइट इन द स्काई, ही लुक्ड अराउंड, द सेज एंड हिज फॉलोअर्स वर गेटिंग अप रबिंग देयर आइज, अ ह्यूज बर्ड लाइक क्रीचर्स वाज डिसेंडिंग फ्रॉम द स्काई। अगली सुबह जैसे ही विरजू ने अपनी आँखें खोली, एक जो है डेजलिंग लाइट इन द स्काई, उसने देखा कि आकाश में एक जो है बड़ा ही अद्भुत और चमकीला जो है प्रकाश है। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा, द सेज एंड हिज फॉलोअर्स वर गेटिंग अप रबिंग देयर आइज, जो साधु जो थे स्वामी अरवसु और उनके जो अन्य जो शिष्य थे वो अपनी आँखें मिटते हुए जो वो उठे। अ ह्यूज बर्ड लाइक क्रीचर वर डिसेंडिंग फ्रॉम द स्काई, एक बड़ा ही विशाल पक्षी जैसा कोई जीव जो है वो आकाश से नीचे उतर रहा था। इट्स अ पुष्पक विमान, संपन्न साउटेड, कोई चिल्लाया उनमें से, अरे ये तो पुष्पक विमान है। यस यू आर राइट, आई थिंक लॉर्ड इंद्र हैज सेंट द मैसेंजर टू टेक मी हेवन, स्वामी अरवसु सेड, स्वामी अरवसु ने कहा, ऐसा लगता है या मैं समझता हूँ या मैं सोचता हूँ कि भगवान इंद्र ने मुझे लेने के लिए जो है पुष्पक विमान को भेजा है। हिज फॉलोअर्स प्रोस्टेड बिफोर हिम एंड ही रेज्ड हिज हैंड इन बेनेडिकेशन, टुडे माई मोमेंट ऑफ निर्वाण हैज कम, फाइनली आई विल बी फ्रीड फ्रॉम द एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। और इतना सुनते ही उसके जो अन्य शिष्य थे स्वामी के, वो जो है उसके आगे दंडवत हो गए उन स्वामी के, और उन्होंने स्वामी ने भी उनको जो है आशीर्वाद देते हुए कहा कि आज लगता है कि मेरे निर्वाण का जो दिवस है, मेरे मोक्ष का जो दिवस है, वो आज आ गया है। आखिरकार मैं इस जन्म और मृत्यु के जो अंतहीन जो चक्र है उससे मैं मुक्त हो गया हूँ। आई विल बी अटेंडिंग सेलिब्रेशन माई इंटायर लाइफ, जो है अब जो है मैं क्या है, मैंने पूरे जीवन में जो है मुझे इस मुझे जो मेरे पाप कर्म हैं, सॉरी जो पुण्य कर्म हैं, उनसे मुझे आज मोक्ष की प्राप्ति होगी। आई हैव नेवर डेविटेड फ्रॉम द पाथ ऑफ धर्म, मैं कभी भी धर्म के मार्ग से जो है विचलित नहीं हुआ। आई हैव लिव्ड लाइक अ मॉन्क एंड नेवर कमिटेड अ सिंगल सिन, मैंने हमेशा एक साधु का जीवन जिया और कभी भी एक भी पाप नहीं किया। एंड दिस इज अ रिवार्ड फॉर ऑल माई नोबल डीड्स, और ये सभी मेरे जो पुण्य कर्म हैं, मेरे अच्छे कर्म हैं, सत्कर्म हैं, उन सबका मुझे पुरस्कार मिला है। अ यंग मैन क्लैड इन फाइन क्लॉथ्स गॉट डाउन फ्रॉम द क्लस्टल व्हीकल, एक नौजवान पुरुष जो है एक दिव्य वाहन से नीचे उतरता है, उसके कपड़े सफ़ेद धवल थे। आई एम ब्रह्मदत्त, आई हैव बीन सेंट बाय लॉर्ड इंद्र, ही सेड, उसने कहा कि मेरा नाम ब्रह्मदत्त है और मुझे भगवान इंद्र ने ही भेजा है। आई नो स्वामी जी है, उतावले बस कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं जानता हूँ। अब जस्ट टेलिंग माई डिस्पर्स द सेम थिंग, मैं अपने शिष्यों को ठीक यही बात जो है बता रहा था। आई एम रेडी टू गो विद यू, द सेज स्टेप्ड फॉरवर्ड, मैं आपके साथ में जाने को तैयार हूँ, और वह अपने जो है कदमों को जो है आगे बढ़ाते हैं। आई हैव नॉट कम टू टेक यू, ब्रह्मदत्त सेड लुकिंग अराउंड, और ब्रह्मदत्त ने अपने चारों ओर जो है देखते हुए कहा कि मैं आपको लेने नहीं आया हूँ। नॉट कम टू टेक मी, क्या आप मुझे लेने नहीं आए? स्वामी अरवसु स्टर्ड क्वाइट श्योर ही हैड नॉट हेयर्ड राइट, स्वामी जो है भौचक के रह गए, शायद उन्हें ऐसा लगा कि मैंने शायद ठीक से सुना नहीं है। नो आई हैव कम टू टेक हिम, सेड ब्रह्मदत्त पॉइंटिंग एट बिरजू हु वाज स्टैंडिंग इन वन कॉर्नर, नहीं मैं उसे लेने आया हूँ। और जो ब्रह्मदत्त ने जो बिरजू की तरफ जो है इशारा करते हुए कहा, जो कि एक कोने में चुपचाप खड़ा हुआ था बिरजू, द सेज कुड नॉट बिलीव हिज आईज दैट थीप, वह उसके उसे जो है अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ, वो चोर उसे लेने आया हूँ। यस हिज काइंड एक्ट लास्ट नाइट सरपास्ड ऑल द वर्चुअस डीड्स ऑफ योर, उसके जो जो पिछली रात का जो बड़ा ही जो दयालु जो कार्य था वो आपके सभी जो है पुण्य जो है कार्यों से ज़्यादा जो है महान है। इफ़ द एंड इज नोबल देन द मीन्स आर नॉट ऑल दैट इम्पोर्टेंट, यदि उसका उद्देश्य अच्छा है तो साधन उतने ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। इवन दो बिरजूज मीन्स वर इम्प्रॉपर, ही हिज एंड वाज वर्चुअस, भले ही उसका जो है माध्यम ठीक नहीं था लेकिन उसका जो उद्देश्य हमेशा ही पवित्र था। द सेज एंड हिज डिस्पर्स स्टूड स्पीचलेस एज बिरजू फॉलोड ब्रह्मदत्त इन टू द पुष्पक विमान, जब बिरजू जो है पुष्पक विमान में जो है सवार हुआ तब उसके स्वामी अरवसु और उसके जो अनुशस थे वो चुपचाप से मतलब निशब्द होकर जो है वो उसको देखते रहे। और इस तरह से इस जो है अध्याय इस पार्ट का जो है अंत होता है। और
इससे संबंधित जो है क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में जो है आप डिस्कस विद्यालय आकर भी कर सकते हैं, और यदि कोई डाउट आपको इस स्टोरी से संबंधित हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप या पर भी संपर्क कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ़ यू, गुड बाय।